मोनिका रावत के हथियारों को, मोनिका रावत के हथियारों को, अनिल सरोज के हथियारों को, शिवम रावत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शिवम रावत के हथियारों को, अनिल सरोज के हथियारों को, नीतू शुक्ला के हथियारों को, नीतू शुक्ला के हथियारों को, महिला कांस्टेबल मोनिका रावत के हथियारों को, मुआवजा देने में भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुआवजा देने में भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कल्पना तिवारी भी बेरोजगार नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। उसे क्यों बेरोजगार दिया गया, क्यों रोजगार दिया गया, उसे क्यों रोजगार दिया गया, क्यों रोजगार दिया गया। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उन्हें भी रोजगार दो, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, आज क्यों नहीं निकले, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। आपका क्या नाम है? मैं मानवतावादी क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाशंकर भीम बोल रहा हूँ जी। आज इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने की क्या वजह है? इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने की वजह तो पहली सबसे बड़ी वजह है कि विवेक तिवारी की जिस दिन हत्या हुई जी गोमती नगर थाने में, जिसे हम लोग हत्या नहीं मानते जी। हम लोगों का मानना है कि निश्चित रूप से ये हादसा है और इसके पीछे विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी या समा खान का हाथ है जी। अगर पुलिस का उद्देश्य साक्ष्य मिटाना होता तो विवेक तिवारी को मारने के बाद कल्पना समा खान को भी गोली मार देते और गाड़ी स्टार्ट करके कहीं छोड़ देते, मामला रफा दफा हो जाता। इसी तारीख को हैदरगढ़ कोतवाली में मोनिका रावत को, जिसको अंडर ट्रेनिंग पुलिस कांस्टेबल थी, जिसको कि स्थानांतरण थाना परिसर से बाहर किया ही नहीं जा सकता था, ड्यूटी लगाई ही नहीं जा सकती थी जी। उसको ड्यूटी लगाई गई, प्रताड़ित किया गया और अगले दिन उसकी लाश जो है पंखे से झूलती हुई मिली। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वो हत्या का मामला आत्महत्या का मामला है ही नहीं जी। क्योंकि उसका एक पैर चारपाई पर लटका हुआ है, टिका हुआ है जी। और फांसी का फंदा खंभे से झूल, पंखे से झूल रहा है जी। तो ये आत्महत्या का मामला है ही नहीं जी। इसी तरीके से 3 साल पहले कुंडा प्रतापगढ़ में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार सरोज की हत्या हो गई, निर्ममतापूर्वक मार डाला गया और कुशी ने आज तक, सबसे बड़ी बात है आप पुलिस के लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 3 साल बाद भी अब तक विवेचना नहीं पूरी हुई जी। तीन साल का समय चाहिए विवेचना के लिए। और दूसरी घटना है 7/8 अक्टूबर की रात, यह गोसाईगंज थाने की है, महंत है भिखाराम रावत जी, जी उनकी हत्या हो गई, उसकी कोई जांच जो है विवेचना अब तक पूरी नहीं हो पाई जी। एक तरफ जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के तमाम लोग कहते रहे कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, अब जब बच्चा शिवम रावत इंटर कॉलेज का विद्यार्थी है, भोलाखेड़ा का रहने वाला है, उतरावा मजरे का नगराम थाने की घटना है, राजनारायण इंटर कॉलेज में पढ़ने जाता है, वहाँ से वहाँ के कक्षा अध्यापक कुछ छात्रों को उकसा कर बाहर बुलवाते हैं और उसको मार के उसकी लाश को इंदिरा नहर में फेंक दिया जाता है, घर को कोई सूचना नहीं मिलती है, दूसरे दिन उसकी लाश नंदौली नहर के पास उतराती हुई मिलती है। पुलिस ने अब तक उस कक्षा अध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, नामजद हत्यारों को गिरफ्तार करने का कोई काम नहीं किया। दूसरा हमारा धरना देने का एक और उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम जिलों के नाम बेमतलब वजन बदलना चाहती है, इलाहाबाद का नाम प्रयाग करना चाहती है,
कौन नहीं जानता है कि इलाहाबाद के तट पर जो किला बना हुआ है, बौद्ध स्तूप बना हुआ है, वो सम्राट अशोक का बनाया हुआ है और बाद में उसको अकबर ने भी अपना किला बनाया। अगर नाम बदलना ही है तो उसका नाम सम्राट अशोक नगर होना चाहिए। लखनऊ को के गजेटियर में लिखा हुआ है कि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया था, तब फिर लखनऊ का नाम महाराजा लाखन पासी होना चाहिए। हमारा मानना है कि हरदोई के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीरा पास अमर शहीद मदारी पासी के नाम से हरदोई का नाम होना चाहिए। हम जाति की बात नहीं करते। व्हाट डू यू मीन बाई उन्नाव? उन्नाव का कोई मतलब नहीं निकलता है। उन्नाव का नाम बदला जाना चाहिए, तो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से उन्नाव जिले का नाम होना चाहिए। रायबरेली का नाम, रायबरेली का नाम अगर बदलना है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो राजा बेनी माधव के सेनापति थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए गोलियों से शहीद हुए, रायबरेली का मतलब कुछ नहीं होता है। रायबरेली का नाम भी वीरा पासी नगर होना चाहिए, हमारी ये मांग है। हमारा ये मानना है कि अमेठी का नाम बदलना है तो अमेठी का नाम बदलना है तो अशफाकउल्लाह खान नगर होना चाहिए, और अगर सुल्तानपुर का नाम बदलना है तो ठाकुर काकोरी कांड के अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम से उस जिले का नाम किया जाना चाहिए। बाकी आपको जो करना है करते रहिए, और जिलों के जितने नाम आपको बदलना है अपनी सुविधा के अनुसार बदल लीजिए, लेकिन देश के सेनानियों का, देश के अमर शहीदों का नाम अगर परिवर्तित जिंदा रखना है, उनकी स्मृति को अक्षुण बनाए रखना है, तो नामांतरण उनके नाम से होना चाहिए। और आखिरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 40 लाख का चेक ना तो आपके वेतन से आया है और ना ही गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्ट से आया है। ये पैसा हम आप सभी लोग जो कपड़ा खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, सब पर जो टैक्स सरकार को देते हैं, उस टैक्स का पैसा है सरकार के पास जाता है और उसी टैक्स का कुछ हिस्सा मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष में जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी का विवेक मरा नहीं है, अगर मुख्यमंत्री जी के शरीर में विवेक है, तो जिस तरीके से विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी को मदद दी गई, उसी तरीके से अन्य जिन मुद्दों को हमने उठाया उसमें घायल और पीड़ितों के परिवारों को भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उनके परिवार के भी किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। आज की हमारी यही मांगे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद।